हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक का पार्ट दो, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, तो जैसा सवाल वैसा जवाब का मतलब है कि जैसा आप क्वेश्चन करोगे आपको वैसा ही आंसर मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके टीचर जो आपसे क्वेश्चन करती है वही आंसर देते होगे ना, कौन सा आप सेकंड का बोलते होगे जो दूसरा हो, है ना। मतलब इसे समझने के लिए था। अब इसमें होता क्या है कि बादशाह अकबर, आपने नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है कि अकबर और बीरबल की जो कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। बीरबल कौन था? अकबर एक राजा थे और बीरबल उनका मंत्री था। बीरबल बहुत दिमाग था, बहुत इंटेलिजेंट था, है ना। तो इसमें यही बताया है उनकी एक कहानी के बारे में। इनकी बहुत कहानी है, आप पढ़ोगे ना तो आपको मतलब ये मैगजीन्स में और वैसे भी मिल जाएंगी, है ना, स्टोरी बुक्स में। तो है बादशाह अकबर जो थे, पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि अब यही बात है कि जो बादशाह अकबर थे ना उनका मंत्री कौन था? बीरबल था। ठीक है, अब बीरबल से बहुत से लोग जलते थे। अब वो राजा तो थे, उनके मन क्या बोलते हैं, उनके महल में एक ही तो नहीं होगा, तो और भी ज़्यादा दरबारी रहते थे, तो बहुत लोग उनसे जलते भी थे, उनकी बुद्धि से जलते थे। एक का नाम तो उसमें से ख्वाब जैसा रहा, उनको अपनी बुद्धि पर, है ना, अपनी बुद्धि पर और जो भी उनके पास विद्या थी उस पर बहुत अभिमान था। वो अपने सामने बीरबल को कुछ भी नहीं समझते थे। अब बीरबल को उनको झूठा साबित करने के लिए उसने क्या किया, उनने तीन सवाल बनाए। ये तीन सवाल इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं, आपकी मैम भी पूछ सकती है आपसे। ठीक है, तो ख्वाबजा सरा ने क्या किया, तीन सवाल बनाए कि इसका आंसर तो बीरबल दे ही नहीं सकता। अब देखो उनने पहला बनाया, क्या क्वेश्चन था पहला उनका? उनका पहला क्वेश्चन था कि संसार का केंद्र कहाँ है। संसार का केंद्र मतलब होता है कि संसार का केंद्र मतलब देखो, केंद्र होता है जैसे मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, समझ लो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है। अब संसार का केंद्र मतलब होता है कि इस अर्थ का सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब केंद्र मतलब होता है सेंटर, जैसे अपन जिस देश में रहते हैं, मान लो जैसे अगर मैं बनाऊं, क्या ये अच्छा तो नहीं बनने वाला, फिर भी इस तरीके से अगर मैं बनाऊं इंडिया का मैप, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका केंद्र होगा। तो यही पूछा है कि संसार का केंद्र मतलब होता है कि जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका जो सेंटर है वो केंद्र होता होगा। जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते होगे ना, तो उसका जो कैपिटल है वो उसका केंद्र होता होगा। इसी तरीके से वो पूछता है कि संसार का केंद्र कहाँ पे है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब बीरबल जो है वो आंसर जो देता है वो हम तभी पढ़ेंगे, अभी सब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो फिर सेकंड वाला था, सेकंड क्वेश्चन था कि संसार मतलब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन था कि आसमान में कितने तारे हैं, मतलब जो हमारा पूरा आसमान है उसमें कितने तारे हैं, इस तरीके से पूछा था। तो आप एक बात बताओ, आपको इस चीज़ को गिन सकते हो? आप ये गिन सकते हो कि आपके सर पे कितने बाल हैं? इसी तरीके से क्वेश्चन था उसका भी। फिर थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा था कि संसार की आबादी कितनी है। देखो क्या अब के हिसाब से तो हर एक कंट्री का अपना एक मतलब परसेंटेज होता है, और अब तो आप निकाल सकते हो कि टोटल मतलब कितनी है, लेकिन पूरी मतलब उतने उससे भी नहीं अच्छे से भी, बट फिर भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ये जो बात है ये तो पुरानी है, अकबर की और बीरबल के टाइम की है, तो उस टाइम पे ऐसा करना मतलब मुश्किल था, पॉपुलेशन का पता नहीं लगाया जा सकता था, वो भी संसार के पॉपुलेशन का तो नहीं लगाया जा सकता था। तो फिर ये आंसर देते हैं, आप देखो पहले का आंसर वो क्या देते हैं कि संसार का केंद्र कहाँ था। संसार का केंद्र का वो आंसर देते हैं कि आप जिस जगह पे खड़े हो वहीं से संसार का केंद्र है, अगर नहीं हो विश्वास तो ना आप लोग। और फिर सेकंड वाले जो था उसका वो देते हैं कि एक भेड़ को बुलाते हैं, अब बोलते हैं जितने इस पे बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो काउंट कर लो। अब फिर थर्ड वाले का वो आंसर बोलते हैं कि देखो संसार की पॉपुलेशन का मतलब देखो उसकी जो क्या होती है जनसंख्या होती है ना वो निकालना मुश्किल है, क्योंकि आबादी घटती बढ़ती रहती है ना, मतलब लोग मरते जीते रहते हैं, इसलिए जब सबको इकट्ठा किया जाए तभी उसका आंसर पता है बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद उनको कुछ बनता नहीं है, तो फिर बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना आंसर दे सकते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप जैसा सवाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा, है ना। तो यही है इसमें, हम थोड़ा शुरू करते हैं इसको।
बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। अब जो बादशाह अकबर थे वो अपने मंत्री जो बीरबल थे उनके उनको बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल की बुद्धि के आगे जो बड़े बड़े लोग थे उनकी कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। तो इसी कारण जो कुछ दरबारी थे वो क्या करते थे, बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो देखो वो बीरबल को मुसीबत में डालने के लिए क्या सोचते रहते थे, कुछ ना कुछ तरीके सोचते रहते थे। अकबर की खास दरबारी ख्वाबजा सरों को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। तो जो अकबर की खास दरबारी थे ख्वाबजा सरा, उनको अपनी विद्या पर और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को वो अपने सामने एक नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, बीरबल को बहुत मूर्ख समझते थे और छोटा बच्चा समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है, है ना। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोली और ख्वाबजा साहब की बातें ऐसी लगती है जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। मतलब देखो बीरबल की और ख्वाबजा सरा की थोड़ी मतलब कटपैच चलती रहती थी, बट बीरबल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, वही उनसे चलते थे। ख्वाबजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। अब कहा है कि अगर ख्वाबजा साहब की चलती ना तो वह बीरबल को क्या करते, हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन कैसे निकलवाते, ठीक है। तो एक दिन ख्वाबजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाबजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए, मानने के लिए कुछ कठिन प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। उनको मतलब ये विश्वास था कि बादशाह के ऐसे क्वेश्चन करने पे जो बीरबल है वो आंसर नहीं दे पाएगा और बहुत कोशिश करने के बाद भी उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फिर बीरबल मान लेगा कि ख्वाबजा साहब के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, है ना। तो मतलब फिर बादशाह जो है मतलब जो राजा है वो ये मान लेंगे कि ख्वाबजा साहब के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। अब ख्वाबजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसके लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकल अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। तो देखो ख्वाबजा साहब क्या बोलते हैं आके राजा से कि आप समझते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है और लंबी चौड़ी बातों में भी आ जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ये 3 सवाल उससे पूछ लीजिए और उसकी दिमागी गहराई नाप लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि वो कितना दिमागदार है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो ख्वाबजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, अब ख्वाबजा के अनुरोध पर जो थे मतलब देखो उनसे उनके मतलब अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल परम ज्ञानी ख्वाबजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके दे सकोगे। तो बीरबल बोलते, जा पाना ज़रूर दूंगा, खुशी से दूंगा। तो ख्वाबजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाबजा साहब ने अपने 3 सवाल जो थे वो लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाबजा का पहला प्रश्न पूछा। अब वो बीरबल पूछते हैं सॉरी मतलब अकबर पूछते हैं उनसे कि संसार का केंद्र कहाँ पर है, है ना, संसार का केंद्र मतलब सेंटर कहाँ पे है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। बीरबल ने तुरंत अपनी जो छड़ी है वो गाड़ कर उत्तर दिया कि यही चारों स्थानों से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाबजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दी कि मेरी बात गलत है। तो बीरबल क्या बोलते हैं कि यही स्थान जो है वो पूरे संसार में बीचों बीच पड़ता है, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो नाप ले, कैसे नापेंगे, इसलिए तो बोलते हैं वो। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है बीरबल बोलते हैं कि बीरबल ने एक भेड़ को मंगवाया और इस भेड़ के शरीर के बाल कितने हैं, उतने ही तारे आसमान में है। ख्वाबजा साहब आपको इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना कर ले। देखो अब क्या होता है, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई, ठीक है। बीरबल क्या करता है, एक भेड़ को मंगवाता है और बोलता है कि जितने इसके शरीर पे बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, है ना, अगर इनको विश्वास ना हो तो वो इसके बालों की तुलना आसमान के तारों से कर ले, ठीक है। अब वो तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि आसमान की आबादी कितनी है, संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल ने कहा
कि जापाना संसार की आबादी पल पल पे घटती और बढ़ती रहती है क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल क्या बोलते हैं कि जापाना संसार की जो आबादी है वो घटती और बढ़ती रहती है, लोगों का जीना मरना लगा रहता है, अगर उनको इकट्ठा किया जाए एक जगह तो ही संख्या बताई जा सकती है, वरना नहीं बताई जा सकती, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। तो देखो, अब बादशाह जो थे, मतलब जो अकबर थे, वो तो उसके उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन जो वो थे ना ख्वाजा साहब, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो बीरबल बोले कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तभी आगे बढ़िए। ठीक है, सही तो कहा उन्होंने। फिर ख्वाजा साहब ने फिर कुछ नहीं बोलते बना, फिर उनसे कुछ भी बोलते नहीं बना। तो बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।